बहुत ही खतरनाक रिस्क यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा खड्डा है, पुल चटनी वगैरह भी है ना, चटनी भी है, चटनी भी है। मुझे बताओ ये जो रोड उधर के लिए है तो उसको टच नहीं दिए इन्होंने उस दूसरी रोड में, उस साइड पारली साइड नहीं जाती? भद्रवानी हिलती है ये रोड है। बहुत ही खतरनाक रिस्क यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा खड्डा है, पुल बिल्कुल खाली है इधर से, और ये देखिए यहाँ से क्या हाल है। बहुत ही रिस्क है यहाँ से। बहुत ही खतरनाक पुल जो है क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़े। बहुत ही एहतियात से चलना पड़ता है ऐसी जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे जो है जान के लाले पड़ सकते हैं, जान जोखिम में पड़ सकती है, इसलिए बहुत ही आराम से ऐसी जगहों से निकलना पड़ता है। अभी देखें यहाँ से ताज़ी ताज़ी जो है बारिश पड़ी हुई है, अभी भी हल्का फुल्का जो है बूंदाबांदी हो रही है। अभी छोटा सा गांव यहां से आ रहा है, यह गांव जो है क्रॉस करके आगे की ओर निकलते हैं। आप खूबसूरती गाइस देख सकते हैं, खूबसूरती की जो है यहां पर कोई कमी नहीं है, खूबसूरती जो है बहुत सारी है यहां पर। ये देख सकते हैं ऊपर की ओर गुलाब के फूल कितने प्यारे हैं। छोटू ये कौन सी जगह है? हैं गाजोट है, यहाँ से डोडा कितना किलोमीटर है? मुझे बताओ ये जो रोड उधर के लिए है तो उसको टच नहीं दिए इन्होंने उस दूसरी रोड में, उस साइड पारली साइड नहीं जाती? भद्रवानी हिलती है ये रोड है। अच्छा बन रही है, अच्छा थैंक यू। तो ये हम बच्चे को पूछ रहे थे रोड के बारे में, तो फाइनली वहाँ से हम नहीं जा चुके, हम तो अब टर्न मार के दूसरी साइड से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा गांव है, देखिए यहाँ पे जो है छोटी छोटी भेड़े हैं। अभी जो है माल के साथ लोग होते हैं, तो अभी जो है घर के लिए माल जो है वापस आ रहा है। कुछों के घर इस तरफ है मेरी वाली साइड और कुछों के उस तरफ। देखिए अभी भी माल जो है घर वापस जा रहा है, और लकड़ी वगैरह भी देखिए ये छोटे छोटे ये घास के ये ठेले जैसे बने हुए हैं, इनमें जो है लकड़ी वगैरह घर के लिए ले रहे हैं। और ये देखिए माल जो है घर की ओर जा रहा है, और ये पार आप देख सकते हैं गांव कितना खूबसूरत और कितना प्यारा गांव है, और घास इसमें हरी भरी है, मक्की लगी हुई है। जो पार जो आप देख रहे हो इसमें जो है धान की खेती होती है, ये देख सकते हैं ये सारे धान के खेत हैं। और पार वाला जो गांव है शायद इसका नाम खलेनी टाप है, बहुत ही प्यारा गांव है ये, बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरती की कोई कमी नहीं है इस गांव में। चीड़ ये पूरी ऊपर तक सूखी हुई है, अगर ज़्यादा हवा आएगी तो ये गिर जाएगी। जो है ऊपर बादल जो है बहुत सारे छाए हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है अभी थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू हो रही है। अब कहीं सेब के दरख्त मिलते तो हम जो है सेब कहीं खाते, सेब ही नहीं मिल रहे हैं। आते वक्त तो देखे थे हमने कहीं सेब, लेकिन अभी मिल ही नहीं रहे हैं, वो पेड़ ही गायब हो गए अभी। हाँ रोड देखिए कितना साफ है यहाँ से। स्विट्जरलैंड क्या है ये देखिए, स्विट्जरलैंड क्या है इसके आगे। वाह क्या बात है, ये देखिए ये जो सामने ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये अखरोट के पेड़ हैं। मलोठी अभी जो है अगला गांव जो है स्टेशन जो है
वो मलोठी आने वाला है। ये देखिए यहाँ से खूबसूरती का नज़ारा देखें, क्या बात है, यहाँ से पानी बह रहा है, छोटा सा झरना है, यहाँ से शायद रेत निकाली जा रही है। ये देखिए जगह देखते हैं ना, उसके बाद जो है बैठते हैं दोनों भाई। यहाँ से थोड़ा सा चिकड़ है, ध्यान से चलना होगा। यहाँ से तो अब कुछ थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही है मुझे यहाँ से, यहाँ पे जब हम रुकेंगे तो कहाँ जैसे बैठे। बंटी भाई कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ जैसे बैठेंगे, यहाँ से बैठेंगे या कहीं आगे जैसे। यहाँ से देखिए, यहाँ से शायद सेब है, नहीं सेब नहीं, ये दूसरी दरख्त है कोई, ये अभी कच्चे हैं, सेब कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये भी सेब का दरख्त है, लेकिन ये घर के आगे यहाँ नहीं बनेगा लेना कोई भी सेब। भाई यार दो एक सेब तो लाओ यार, बंदे बहुत है। आहा, काश आप यहाँ से दो सेब लाते मेरे लिए। कोई नहीं वैसे देख रहा है, अगर बंटी भाई ये देखो यार सेब, यार सिर्फ दो चार, यहाँ से दौड़ के इधर से तो दो चार लाओ, कोई नहीं देखेगा। आगे से लाएंगे यार, कहाँ आगे से। ये देखिए गाइस सेब मैं है कौन, इधर इधर तो कोई नहीं है। आप दो सेब आज ही तो देखना है आपका, मैंने कि आपकी हिम्मत देखनी है, दो ही सेब लाने, पैसे क्यों ना देने पड़े हमें जेब के। आगे कहीं नहीं मिलेंगे भाई, भद्रवाह नहीं चलना। हाँ चलेंगे, लेकिन भद्रवाह चलो, नानी के घर में चलेंगे, नानी के घर का भाई। तो बंटी भाई जो है सेब लाने से इनकार कर दिया। ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी नहीं, ये हाथ मार सकेगा, क्या बनेगा बंटी भाई का। ये देखो इधर ऊपर कितने लाल सेब हैं, वाओ क्या मज़ा है। ये देखिए ये छोटा सा गांव यहाँ पर आया है, ये हम क्रॉस करते हैं। दरख्त है घने से, ये जो है त्रोण की पहाड़ी है, देखो कितना बड़ा इलाका है ये, उसके पीछे जो पहाड़ी है ना वो डोडा है उस तरफ। आज जो है मैं और बंटी भाई जो है पक्का चोरी करने वाले। ये देखो छोटे छोटे परिंदे यहाँ से उड़ रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ पे चिड़िया, शहरों में तो मिलती नहीं होंगी ना आज देखने के लिए। ये देखिए अभी जो है हम सेब की कहीं, बंटी भाई हमारे लिए सेब लाएंगे, अब देखते हैं ये कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं वो इनको पता है क्या बंटी भाई। नहीं मैंने देखे ना कभी, अभी एक जगह पे ना मैंने देखे थे वो अखरोट, ले अखरोट नहीं सेब, ये तो अखरोट के पेड़ है ना, पेड़ है। हाँ चोरी करना तो वैसे सच में बंटी भाई आपकी बात गलत है, लेकिन क्या करें, यहाँ से बहुत ही चिकड़ है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा सा, ये देखो कितना प्यारा पक्षी है, ये देखो उड़ रहा है, ये देखो कितना प्यारा है। मवेशियों के लिए जो है चारा लिए जा रहा है, और यहाँ से भी जो माल वगैरह वो घर को जा रहा है। देखो ये हो गई तैयार है, यहाँ फ्राई हो गई ना, इसको फूल करना जब ग्राहक आएगा।
एक हमारे लिए कर दो फिर। अच्छा ये गाइस यहाँ पे नीरू की मच्छी मिलती है। ये कौन सी जगह है अंकल जी? ये न्योटा, शेरी न्योटा भद्रवा। शेरी न्योटा भद्रवा। ये देखिए जी, डाल दी तेल में मच्छी। चटनी वगैरह भी है ना? चटनी भी है, चटनी भी है। तो देखिए बंटी जो किलर जो है वो इधर गया है इस तरफ। बंटी भाई, ये बंटी भाई है इस तरफ, और मच्छी हो रही है फ्राई गाइस। तो आज मच्छी का जो है पूरा पूरा टेस्ट लेने वाले हैं हम, क्या बंटी भाई? घर के लिए भी लेनी पड़ेगी, घर वालों को फ़ोन करके पूछते हैं कि आपको भी मच्छी लेनी है कि नहीं, मच्छी खानी है कि नहीं। अगर उनने बोला तो उनके लिए भी लेनी पड़ेगी, तो अपने वाहिद भाई के लिए भी लेंगे हम मच्छी। तो ये देखिए इस तरफ है यह फास्ट फूड, बहुत ही ज़बरदस्त। ये हमने बाइक लगा दी है यहाँ पर। यहाँ पे मीट वगैरह तो नहीं मिलता है, यहाँ पे खाली अंडा मच्छी मिल जाएगी आपको। और बहुत ही प्यारी लोकेशन पर है ये, शेरी क्रॉस करते ही ये जगह आपको मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये गाइस हमारी बाइक और ये है हमारा कैमरा GoPro।